हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बेटा। और आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 8 फोर क्लास 6 सोशल साइंस की। ये वर्कशीट है जो कि 19 अक्टूबर 2020 के लिए शेड्यूल की गई है। आज की जो वर्कशीट है बेटा, आपको आज दो वर्कशीट करनी है, सभी बच्चों को पता है, एक SST की और एक इंग्लिश की वर्कशीट आपको अपनी इंग्लिश की कॉपी में करनी है, SST की कॉपी में करनी है। चलिए, अब आज हमारा टॉपिक क्या है, चैप्टर 2 हमारा कंटिन्यू है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। सब टॉपिक क्या है इसमें, डिस्क्रिमिनेशन। तो सभी बच्चे जानते हैं ना डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है। लास्ट जो वर्कशीट थी उसमें हमने क्या क्या कवर किया है, हमने प्रिजुडिस जो है वो कवर किया, उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेशन के बारे में पढ़ा, हमने डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा कि डाइवर्सिटी क्या होती है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट अबाउट डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन हैपन्स व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रिजुडिसेस और स्टीरियोटाइप। तो डिस्क्रिमिनेशन कब होता है बेटा, जब हम सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करते हैं, जो पहले से हमारी धारणाएं बनी हुई हैं हम उन पर विश्वास करते हैं, तब क्या करते हैं हम लोगों के साथ, दूसरे लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यानी भेदभाव करते हैं। इफ़ यू डू समथिंग टू पुट अदर पीपल डाउन, अगर आप जो है ऐसा करते हो, इफ़ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटीज, अगर आप दूसरे लोगों को किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में जो है पार्ट लेने से रोकते हो, ठीक है, उनकी जॉब्स लेने से रोकते हो, स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, आप उनको अपने पड़ोस में कहीं आस पड़ोस में रहने से रोक रहे हो, प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम द सेम वेल और हैंडपम्प, आप किसी एक पर्टिकुलर हैंडपम्प या वेल जो कुएं होते हैं वहां से उनको पानी लेने से रोक रहे हो, एंड अलाउ देम टू ड्रिंक टी इन द सेम कप और ग्लासेज एज अदर्स, और दूसरे लोगों की तरह अगर उनको सेम कप और ग्लास में जो है चाय या पानी पीने से रोक रहे हो, यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, आप क्या कर रहे हो, आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो डायग्राम है उसमें दिखाया गया है कि एक बच्चे को अलग से बिठाया गया है, इसका मतलब क्या है, हो सकता है ये बच्चा जो है ये जो लोअर कास्ट होती है उससे बिलोंग करता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है इस बच्चे के साथ यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ओके, देयर कैन बी वेरियस रीजन फॉर वंस डिस्क्रिमिनेशन सच एज कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लैंग्वेज, ऑक्यूपेशन एट्सेट्रा। यानी डिस्क्रिमिनेशन कई तरह से हो सकता है, जैसे कास्ट के बेस पे हो सकता है, जेंडर यानी बॉय एंड गर्ल के बेस पे हो सकता है बेटा, रिलीजन के बेस पे हो सकता है, इकोनॉमिक बैकग्राउंड कोई गरीब है कोई अमीर है इस बेस पे हो सकता है, लैंग्वेज के बेस पे, ऑक्यूपेशन की कौन क्या काम करता है, ठीक है, उस बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर फाउट फॉर द राइट्स ऑफ द पीपल, डॉक्टर अंबेडकर जो है वो लोगों के अधिकार के लिए लड़े थे। ही वॉज बोर्न इन टू माहर कास्ट। तो जो जो डॉक्टर अंबेडकर हैं सभी बच्चे इनके बारे में जानते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको बनाने में इनका एक बहुत ही मेन जो आप कह सकते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो जो डॉक्टर अंबेडकर थे वो माहर जाति जो होती है उससे बिलोंग करते थे, एंड विच वॉज कंसिडर्ड अनटचेबल, और ये बहुत ही आप कह सकते हो जो है निम्न जातियों में इसकी इसको इंक्लूड किया गया था, जो कि जिन लोगों को टच नहीं किया जा सकता। द महार वर पुअर, महार कैसे होते थे, गरीब होते थे, ऑन नो लैंड, जिनके पास अपनी कोई जमीन नहीं, एंड देयर चिल्ड्रन ऑल्सो हैड टू डू द वर्क देयर पेरेंट्स डिड, और उनके बच्चों को वही काम करना होता था जो उनके पेरेंट्स करते थे। दे लिव्ड इन स्पेसेस आउटसाइड द मेन विलेजेस, तो वो गांव में उनको इतनी ज़्यादा उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन थी कि उनको जो मेन लैंड है गांव की उसके ऊपर नहीं रहने दिया जाता था, वो बाहर कहीं जाके रहते थे। एंड दे वर नॉट अलाउड इन टू द विलेज, और उनको गांव में आने के लिए भी उनको अलाव नहीं करते थे। ही वॉज अगेंस्ट दिस डिस्क्रिमिनेशन, और जो डॉक्टर अम्बेडकर थे वो इस डिस्क्रिमिनेशन के बहुत ज़्यादा एंटी थे, खिलाफ थे। एंड बिगेन हिज स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी, और उन्होंने इक्वलिटी यानी बेटा समानता, यानी इस जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको ख़त्म करने के लिए उन्होंने लड़ाई शुरू की थी, स्ट्रगल अपना शुरू किया था। तो इनके बारे में सभी बच्चे जानते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसके जो है फादर उनको कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पर बच्चों इससे वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप सब बच्चे कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रीजंस फॉर डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन के लिए क्या रीजन हो सकते हैं। अभी हमने पढ़ा क्या क्या रीजन हो सकते हैं डिस्क्रिमिनेशन के लिए, तो ये इसका आंसर है। देयर कैन बी वेरियस रीजंस फॉर वंस डिस्क्रिमिनेशन सच एज
कास्ट, जेंडर, रिलीजन, इकोनॉमिक बैकग्राउंड, लैंग्वेज, ऑक्यूपेशन एट्सेट्रा. तो ये आंसर आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. सेकंड क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये इसका आंसर हो जाएगा, हु इज नोन द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन डू यू सी अराउंड योर सेल्फ, एक्सप्लेन. तो बच्चों आप अपने चारों तरफ किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन देखते हो, आपको कुछ लाइनें इसके बारे में लिखनी है, एक्सप्लेन करना है. तो बेटा जितनी बेशक हमारे पास आज जो है एजुकेशन है, लेकिन फिर भी हम अपने चारों तरफ अलग अलग तरह से डिस्क्रिमिनेशन देख सकते हैं. इवन जैसे गर्ल एंड बॉय का डिस्क्रिमिनेशन आप देख सकते हो. इवन कई बार हमारे खुद के घरों में भी डिस्क्रिमिनेशन जो है बॉय एंड गर्ल का किया जाता है. इसके अलावा जो लोअर कास्ट हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, जो पुअर पीपल है उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है. तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है आप अपने चारों तरफ बिल्कुल देख पाओगे. इसके बारे में आप अपने माता पिता, दादा दादी जो घर में बड़े हैं उनके साथ भी अगर डिस्कस करते हो तो आप ये सारी चीजें जान सकते हो. ठीक है, तो आइए बेटा आप देखते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे. सो यहां से बच्चों आप इसका आंसर लिखेंगे, वी कैन सी डिस्क्रिमिनेशन अराउंड अस इन वेरियस वेज लाइक एजुकेशन, हेल्थ, जेंडर एटसेट्रा. पीपल बिलोंग्स टू लोअर कास्ट cannot enter into temple. तो जो लोग लोअर कास्ट से बिलोंग करते हैं वो जो मंदिर है, टेम्पल है, उनमें एंटर नहीं कर सकते. इन विलेजेज दे कैन नॉट टेक वाटर फ्रॉम द कॉमन वेल. ओके, इन सम विलेजेज गर्ल्स कैनॉट वियर जीन्स एंड दे डोंट हैव एनी परमिशन टू यूज मोबाइल्स. और लड़कियों को जीन्स पहनने की परमिशन नहीं होती है. इसके अलावा बेटा डिस्क्रिमिनेशन आप देख सकते हो, लड़कियां मोबाइल का यूज नहीं कर सकती. इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन हम अपने अराउंड देख सकते हैं. तो ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं. तो ये थी बच्चों आपके आज की वर्कशीट. आई होप बेटा आपको वर्कशीट क्लियर है. कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हो. वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए, इससे हमें सपोर्ट मिलता है. एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन सब बच्चों को मिलती रहे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे.